दिल्ली, दिल्ली तो वैसे अव्वल नंबर पर आती है। छह दिन चाहे वो ट्रैफिक हो, शॉपिंग हो, या फूड हो, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हो। हम बात कर रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, जहां पर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। साथ में यहां पर ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर आपको बेस्ट डॉक्टर देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, ये वीडियो उन जरूरतमंद लोगों के लिए जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ के नियम कानून पता नहीं है। यहाँ की भीड़ भाड़ देख के वो डरते हैं कि उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, ओपीडी कार्ड कहाँ से बनेगा, वो कैसे एडमिट होंगे, उसका इलाज कैसे होगा, और ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। बात करें अगर लोकेशन की, तो ये सफदरजंग में पड़ता है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एम्स पड़ने वाला है, गेट नंबर 4 और 2 से आप एग्जिट होके 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। ये कुछ बस नंबर है, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। एंड सामने ही आपको ये ओपीडी देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको इन्फॉर्मेशन एक एक करके सारी देते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको ORS पेशेंट पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से। उसके बाद कुछ इस तरह का आइकन खुलेगा, फिर बुक अपॉइंटमेंट करनी है। बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद कुछ ऐसा आइकन खुलेगा, उसमें आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। इसमें दिल्ली के सारे हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको एम्स सेलेक्ट करना है। एम्स सेलेक्ट करने के बाद कुछ आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ कैप्चा भरना होगा। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो जाएगी। आपको डेट और टाइम भी सेट करना होगा उसमें। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, जो कि 2-व्हीलर का यहाँ पर आपको 10 रुपये 2 घंटे के, और कार का यहाँ पर 20 रुपये 2 घंटे के मिलेगा। ये पूरा सामने आपको OPD देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं अंदर जाके। यहाँ से आपको लेबोरेटरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कौन से रूम में कहाँ पर आपको कौन कौन सी चार्ज देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सरे हो गया, ECG हो गया। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करने हैं, और उसके साथ में ही आप यहाँ पे इवनिंग OPD भी लगती है, जिसका टाइम कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में ही मैं रेफ़र करूँगी कि आप मॉर्निंग OPD में आए, जो कि सुबह 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक खुली रहती है। यहाँ से आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आगे चल के बताएंगे आपको कार्ड कहाँ से बनवाना है। तो यहाँ से हम सफदरजंग OPD के लिए जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे। यहीं से ही आप एंट्री और एग्जिट दोनों यहीं से ही होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। अगर बात करें कि यहाँ पर इलाज करवाने का कितना पैसा लगता है, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपका इलाज किया जाता है। इवन आपको दवाइयाँ भी फ्री में मिलती हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में टेस्ट भी फ्री में किए जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर पहले आपको दवाइयाँ देते हैं। दवाई देने के बाद अगर उनको लगता है कि आपको ज़रूरत है टेस्ट करवाने की, तो वो टेस्ट लिख के देते हैं। और टेस्ट लिखने के बाद आपको डेट दे दी जाती है कि आप इस डेट पे यहाँ पर टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, आपको ये सब देखने को मिलेगा। सामने ही आपको सबसे पहले इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इंक्वायरी काउंटर से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में काउंटर रखे गए हैं। तो 25, 24, 23 ये स्टाफ के लिए है। बाकी वहाँ पर है जो 1, 2, 3, 4, 10 तक मेल के लिए रह जाएगा। 10 के बाद 17 तक फीमेल के लिए है, 18 तक, 19 और 20 जो काउंटर नंबर है वो विकलांग और सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ आपको विडो का भी अलग से काउंटर मिल जाएगा, जो कि खाली रहते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती उनमें। यहाँ आपको 1 से लेकर 21 नंबर तक काउंटर देखने को मिलेंगे। भीड़ देख के आप घबराइएगा मत, बस अपनी अपनी लाइन में लग जाइएगा। आप किसी भी लाइन में लग सकते हैं, लेडीज़ है तो लेडीज़ की लाइन में, जेंट्स है तो जेंट्स की लाइन में। आपका 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आपका नंबर आ जाएगा। जैसे ही आप काउंटर पर पहुँचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बीमारी क्या है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पिता का नाम क्या है। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा जिस भी आपको डॉक्टर के पास भेजना होगा। जो है 20 जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए है, लेडीज और जेंट्स दोनों, और 21 जो है वो है विकलांग के लिए। तो ये खाली रहता है ज़्यादातर। तो इस तरीके का कार्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसमें सारी डिटेल्स होती है कि आपको कौन से रूम नंबर में जाना है और कौन से डॉक्टर आपको देखने वाले हैं, किस फ्लोर पे है, सब आपको डिटेल इस पर्ची पे मिल जाती है देखने को। ओपीडी कार्ड पर जो भी फ्लोर मेंशन हो रखा होगा, जहाँ पर आपके डॉक्टर बैठे होंगे, वहाँ पर आपको जाना होगा। दोनों साइड आपको लिफ्ट और स्टेयर्स देखने को मिल जाएगी। आपको जैसे सुटेबल हो आप वैसे जाइए।
हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगी। जो भी आपकी बीमारी होगी उस अकॉर्डिंग आपको उस फ्लोर पे भेजा जाएगा। आपको वेट करना होगा अपने नंबर आने का। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे अंदर उनके रूम में, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद आपके ओपीडी कार्ड पर वो मेंशन करेंगे। अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो एडमिट भी कर लेते हैं, नहीं तो आपको हफ्ते या महीने तक की दवाइयाँ दे देंगे। इवन आपको दवाइयाँ भी हॉस्पिटल से फ्री में मिल जाएगी, डिस्पेंसरी से। अगर आपको हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गेट नंबर 2 ऑर्थो ओपीडी में भी दिखा सकते हैं, जो कि संडे को भी खुली रहती है। तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी आकर अपना ओपीडी कार्ड बनवाने के बाद डॉक्टर को दिखाने पहुंच जाते हैं तो आपको 3 या 4 बजे तक आपका काम हो जाएगा। ओपीडी 5 बजे तक खुली रहती है। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। सफदरजंग हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है।